शिकायत करना नहीं आता। मैं 2015 में विधायक बना हूँ, जिसमें कि गठबंधन महागठबंधन बनी हुई थी, और उस समय से ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से और उनके स्वभाव से, उनके दिए गए दिशा निर्देशों से मैं बहुत ही प्रभावित था। और 2020 में मेरा जब टिकट कट गया बेवजह का, जब इतना मैंने काम किया, काम करने के बाद भी मेरा टिकट कट गया, और उसके बावजूद भी मैंने पार्टी के लिए काम करता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्व विधायक चंदन कुमार ने आज राजद का साथ छोड़ दिया है, आज वो जदयू में शामिल हो गए हैं। बता दें कि जदयू की सदस्यता उन्हें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिलाई है। वहीं जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चंदन कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आखिर वो जदयू में क्यों शामिल हुए, वो किन किन कार्यों से प्रभावित हुए और इसके पीछे की वजह क्या है, आप इस वीडियो में सुनिए पूर्व विधायक चंदन कुमार को। विकास कार्य से प्रभावित होकर हम लोग बहुत ही पूरे बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है और हो रहा है, और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र अलौली में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में हमारे अलौली विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का उन्होंने काम किया है, बहुत सारी पुल पुलिया, सड़क, बिजली और बहुत सारे स्कूल कॉलेज देने का उन्होंने काम किया है, जिससे मैं प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को और उनके नेतृत्व में और विजय बाबू के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं काम करने के लिए आया हूँ, और तन मन से मैं काम करूँगा। और ये जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में मैं अपने स्वजाति रविदास भाइयों का एक एक वोट पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने 2024 के चुनाव के जो भी NDA गठबंधन के जो जहां भी प्रत्याशी हैं उनको मैं एक एक वोट दिलाने का काम करूंगा। और मुझे शिकवा शिकायत करना नहीं आता। मैं 2015 में विधायक बना हूं, जिसमें कि गठबंधन महागठबंधन बनी हुई थी, और उस समय से ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से और उनके स्वभाव से, उनके दिए गए दिशा निर्देशों से मैं बहुत ही प्रभावित था। और 2020 में मेरा जब टिकट कट गया बेवजह का, जब इतना मैंने काम किया, काम करने के बाद भी मेरा टिकट कट गया, और उसके बावजूद भी मैंने पार्टी के लिए काम करता रहा। और जब मैंने देखा कि ये जो सरकार है, ये जो हमारी सरकार 2024 में NDA की सरकार जो काम कर रही है, उन कामों को जिस प्रकार से उन्होंने गलत तरीका से लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं, मैं उससे विक्षुब्ध हो गया हूँ। और खास करके अभी हाल के दिनों में मुन्ना शुक्ला जी, जो कि अभी RJD से उनको प्रत्याशी वैशाली से या कहीं से भी बनाया जा रहा है, उनको उनका जो मेरे जाति के प्रति गलत बयानबाजी किया गया था, जिससे भी मैं आहत हुआ हूँ, मेरे प्रदेश के सारे लोग आहत हुए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपने पार्टी के प्रति वफादारी से काम करूँगा। 2024 में अपने रविदास भाइयों का एक एक वोट मैं दिलाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार 2005 से बनी है और तब से लेकर आज तक जो बिहार में एक सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल कायम हुई है पूरे बिहार के किसी कोने से लेकर, आप बिहार को कंपेयर करिएगा तो निश्चित तौर पर बिहार में इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी की देन, और जब से वो सरकार में आए, आने के बाद ही जो सबसे मूल समस्या मुसलमानों की थी, कब्रिस्तान की घेराबंदी, इन लोगों के द्वारा कब्रिस्तान को अतिक्रमण किया गया था, उनको अविलंब 2005 के बाद से लगातार उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और
तो आपने सुना पूर्व विधायक चंदन कुमार को, जिन्होंने आज राजद का साथ छोड़ दिया है, वो जदयू में शामिल हो गए हैं। वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का हिस्सा बन गए और उन्हें जदयू पार्टी की सदस्यता जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिलाई। वहीं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चंदन कुमार ने बताया कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर जदयू में पार्टी में आने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किए गए सभी विकास कार्यों का भी जिक्र किया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।